एक खुशी की खबर भी है। श्रीचंद जैन जी, जो सबसे पुराने इस इलाके के कांग्रेसी रहे और फिर कांग्रेस परिवार से उनका मतभेद हो गया और वो छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो दोबारा कांग्रेस पार्टी की मदद करने का फैसला किया है। और श्रीचंद जैन जी खास तौर से अपने गांव में आए, मैं उन्हें बोलता हूं सबसे पहले तो वो आए और अपनी बात कहें। श्रीचंद जैन जी, परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू भाई अशोक तंवर जी और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और जहां के हमारे साथी भाई सुरेश गोयल जी और इनके साथ आए हुए सुधीर गौतम जी, रघुवीर भारद्वाज जी, अंशुल सिंगला जी और कांग्रेस के सभी हमारे साथी बुजुर्गों, झांझ खुर्द गांव के सरपंच साहब, बैरागी साहब और सभी सम्मानित महानुभाव भाइयों बुजुर्गों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के बहुत आभारी हम होने चाहिए कि इतना बढ़िया उम्मीदवार, इतना काम करने वाला, इतना ऊर्जावान ऐसा उम्मीदवार हमें दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सुरजेवाला साहब के बारे में भाई कुछ कहना, दीपक दिखाना है, हमारे इलाके के हैं, हमारे बीच में रहने वाले हैं, इन्होंने जितना विकास कैथल में करवाया है एक रिकॉर्ड है और जींद को भी ये विकास के रिकॉर्ड में ले जाएंगे। और भाइयों, पीछे जींद उपेक्षित रहा, लोगों ने राजनीति तो की लेकिन जींद का इतना सुध नहीं लिया, अब सुरजेवाला जी आ गए हैं। भाई रणदीप जी का मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होता हूं इनके समर्थन में और मैं बीजेपी को छोड़ करके भाई रणदीप सिंह को जिताने के लिए अपना दिन रात एक कर दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे भी भाई, ये मौका चूकना मत, कहते हैं निशाना चूके फिर मारे, अवसर का चूका सिर मारे, ये अवसर मिला है इसको चूकना मत। और ये मैं एक बात और कहता हूँ, कहते जिंदगी धरती पर राज, पहले नेता कहते रहे जिंदगी धरती पर राज लाना, बांगर की धरती पर राज लाना, कहते रहे वोट लेते रहे, लेकिन सही मायने में जिंदगी धरती पर राज लाने का कोई काम कर सकता है तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला कर सकता है। इस राज का दरवाजा कोई खोल सकता है जिंद के लिए तो रणदीप सिंह सुरजेवाला।